हेलो व्यूअर्स, आई एम साजिद मैवी, यू आर वाचिंग पैक्टर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बड़ी ही हैरानकुन खबर लेके आए हैं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसका इलम होना बहुत जरूरी है वरना आप भी नुकसान उठा सकते हैं। जिस तरह मेरे एक दोस्त ने नुकसान उठाया, उसने बताया मुझे, अचानक मेरे पास आया, उसने बताया कि यार मेरे पैसे गायब हो गए मेरे अकाउंट से। और मुझे मैसेज आया जिसमें पहले 1 रुपए कट गया, फिर 2 रुपए कट गया, फिर 3, एक एक फिर दोबारा कटा, और उसके बाद अचानक उसके 8,000 रुपए कट गए। और मैंने कहा अच्छा ये कैसे, जब मैंने वहां पे पढ़ा तो लिखा आ रहा था कि ये आपकी जो पेमेंट है गूगल प्रोक्सिमा बीटा से हो रही है। तो हमने सर्च किया तो इस पे मतलब देखा कि ये पेमेंट कैसे हो रही है व्यर्थ। तो हमने सर्च किया, जब हमें पता चला कि हमारे तो 8,000 रुपए गए हैं, लोगों के तो लाखों रुपए चले गए हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं गूगल में, देखिए यार कितनी रिपोर्ट्स हो रही हैं दिन में। और कोई कोई कह रहा है कि मेरे 10,000, कोई कह रहा है मेरा 5 लाख, कोई यहाँ पे तक एक बंदे ने नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ है कि 1 करोड़ रुपया उसका इस तरह निकल चुका है, इससे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। अब ये पेमेंट जा कहाँ रह गया? अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक क्लेम नहीं देता, बैंक कहता है ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने एटीएम कार्ड को या वीजा डेबिट या मास्टर या क्रेडिट कार्ड को सिक्योर रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको इसकी कंप्लेंट करानी, इससे पहले आप एफआईआर कॉपी लेके आए, तो हमें थाने में जाते हैं तो थाने वाले कहते हैं आगे से कि जी आप तो दरखास्त लेके आए, यहाँ तो लाखों लोगों की दरखास्त बढ़ी है, तो आप उसके हिसाब से एफआईआर में जाते हैं तब भी, या आप अपने मुल्क के हिसाब से जो भी आपकी एजेंसी है। तो आपको मेजर करना क्या होगा जिससे आपकी पेमेंट जो लूटे हुए पैसे वापस आ जाए, और आपको किन किन चीजों की सेफ्टी रखनी होगी जिससे आपके पैसे चोरी ना हो सके, आपकी बैंक की ट्रांजेक्शंस ना हो सके विदाउट यू परमिशन। हम इसके बारे में आपको सारी तफसीलात बताएंगे, नंबर मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताता जाऊंगा। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है जिनसे आप बच सकते हैं। पहली बात हम बात करेंगे जब बच कैसे बच सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको देखें जी, अब हम गूगल में अकाउंट इस्तेमाल करेंगे ये हमारी मजबूरी है, और हम फेसबुक पे भी इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपना, अगर हमें कोई एंड्रॉयड ऐप खरीदनी है, अगर हमने कोई भी शॉपिंग करनी है, तो हमारे जो वीजा डेबिट कार्ड है इसकी एक्सेस होती है गूगल के पास। अब गूगल तो हर चीज, हमारे फिंगरप्रिंट तक गूगल के पास है, एंड्रॉयड सिस्टम के पास है हमारी हर चीज, हम उसे सिक्योर नहीं रह सकते। अब सबसे सिक्योर रहने का एक ही तरीका है, जब आपने कोई चीज बाय करनी होती है, आप बाय करें उसी वक्त अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दें। आप पाकिस्तान में भी और अदर्स कंट्रीज में भी अलाउड कर दिया गया है, आपकी जो आपको ऐप नेट बैंकिंग दी गई है उसमें आप कार्ड को ब्लॉक भी रख सकते हैं और अनब्लॉक भी रख सकते हैं। आप उसको अनब्लॉक करें, एटीएम से कैश निकलवा लें और उसको अनब्लॉक करें, नेट पे यूज कर लें, करने के फौरन बाद जैसे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली का मैसेज आता है, आप उसी वक्त आप अपने कार्ड को ब्लॉक कर दें। आप हर वक्त अपने कार्ड को ब्लॉक रखें, किसी वक्त भी अपने कार्ड को लाइफ ना रखें, इससे आपका कीमती पैसा भी बच जाएगा और आप फ्रॉड से भी बच जाएंगे। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सबसे ज्यादा सेफ्टी आपको यही मैटर करती है और किसी चीज पे आप सेफ्टी नहीं मैटर करती। ये अगर आप कितना भी सिक्योर हो जाए और आपका कार्ड लाइव है, तो आपके चांसेस पैसे फ्रॉड होने के बढ़ जाते हैं। अब ये पैसे जाते कहां हैं? देखें, जब भी कोई गेट वे लेती है कंपनी किसी भी बैंक से किसी भी इदारे पे, तो उनको अपनी फाइल्स सबमिट करवानी पड़ती है, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। साफ जा रहा है, जब हमें ये ट्रांजेक्शन पे लिखा हुआ आ रहा है, गूगल प्रोमिक्स का बीटा लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो गेट वे है जहां पे ये कार्ड यूज हो रहा है, एक गूगल के नाम पे ही रजिस्टर करवाया गया है। आप मुझे ये बताइएगा पैसे आपको निकाल कौन रहा है, निकल कहां रहे हैं, ये आप खुद ही समझ जाए, बात मैं बता दूंगा आपको आगे, माशाल्लाह आप अक्ल बंदा है समझ जाएंगे। देखें,
आप जब अपनी वेबसाइट के लिए एक गेटवे लेते हैं तो बैंक से या किसी भी और अदारे से, वो बैंक के अदारे से, तो वो आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके आपकी कंपनी का एनटीएन नंबर होना चाहिए, आपकी कंपनी एफबीआर से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपकी कंपनी के एक एग्रीमेंट फॉर्म होना चाहिए, सारी कंप्लीट चीज होनी चाहिए। उसमें वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपको थ्राइज देते हैं, आपको गेटवे देते हैं अपना कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और गेटवे में जो भी ट्रांजेक्शन होती है, शॉपिंग करते हैं, ये काम भी होती है, तो वो गेटवे में आपका नाम जा रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे गूगल में लिखा आ रहा है गूगल प्रोमिक्स बीटा, इसी तरह उसमें लिखा आता है। तो इसका मतलब है कि पेमेंट कहाँ जा रही है आप समझ जाएं, और इसके बाद में पेमेंट वापस रिटर्न होएगी या नहीं होएगी। देखें इसके बारे में चांसेस तो हैं लेकिन बहुत कम है वापसी के, लेकिन उसका हाँ सोल्यूशन जरूर आपको बताएंगे कि आपको करना क्या होगा। आप जाएं पहले मुतल्ला एफआईए में जाएं या साइबर क्राइम में जाएं, जो भी आपका मुतल्ला अदारा है, पुलिस के बारे मतलब जो आपकी लोकल पंजाब पुलिस है उसके पास ना जाएं, आपके इलाके की कौन सी भी पुलिस है, आपको एफआईए साइबर क्राइम में जाना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से एफआईए इंडिया से साइबर क्राइम में जाना, और आपको वहां पे जाके अपनी इसकी एप्लीकेशन दें, एफआईआर करवाएं, उसके बाद जो आपके एफआईआर की कॉपी है उसको अटैचमेंट करें अपने एप्लीकेशन के साथ, और फिर जाके बैंक में एप्लीकेशन सबमिट कराएं। वो एफआईआर के बगैर आपकी एप्लीकेशन को नहीं लेंगे, चेक कर देंगे, बैंक नहीं लेगा जब तक आपकी एफआईआर की कोई कॉपी साथ नहीं लगी होगी। इसलिए आपको वहां पे जाके अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके बैंक में कंप्लेन अलर्ट कर देनी है। जो आप सेटिंग मैथड है दूसरा स्टेप, उसमें क्या करना होगा आपको, उसमें ये करना होगा आपको कि आप गूगल में जाइएगा, जाके ये लिंक हम दिखा रहे हैं आपको, इस लिंक को फॉलो करिएगा, और यहाँ पे एक फॉर्म होगा, वहां पे अपनी कंप्लेन करवा दें गूगल को, और वहां पे बता दें उस जो जो रिक्वायरमेंट्स है उनको बताएं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो चुका है और हमें अपनी पेमेंट रिटर्न चाहिए। अगर आपके नसीब में हुआ ये आपकी पेमेंट कम से कम 30 से 60 दिन के अंदर वापस आ जाएगी। इस केस में अब वापस आती है पेमेंट या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अहम है लोगों, ये नहीं है कि नहीं आई लेकिन कुछ की आई है, उसमें भी कुछ पेमेंट काटी गई है, उसमें ये काटी गई है जो ट्रांजेक्शन फीस होती है जो वो आप पे लगा दी गई है, हालांकि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और आपके पैसे भी जा रहे हैं, आपका परेशान भी हो रहे हैं, अगर रिटर्न होते हैं उसके जो चार्जेस वो भी आप पे पड़ रहे हैं। ये जो अदारे ने किया है, जब रिटर्न हो रही है इसका मतलब वो अदारा मिल गया, अब आपकी पेमेंट यहाँ पे अनथराइज आपकी ट्रांजेक्शन हुई है वो अदारा मिल गया। हमारी एजेंसीज, हमारी जो इंटेलिजेंस है उनको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, भाई आप कैसे ये पेमेंट कर रहे हैं, कितनी हो रही है गूगल के साथ, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। वो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो साहब है गूगल का, कौन पूछे। तो इस तरह आप रिटर्न करवा सकते हैं, पेमेंट काफ़ी हद तक रिटर्न हुई भी है। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपके मन में क्या क्वेश्चन है क्या कमेंट से आप नीचे जरूर बताइएगा, आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ ये भी बताइएगा, अगर हुआ है कितने का हुआ है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ऐसी वीडियो के लिए, मोबाइल रिलेटेड अनबॉक्सिंग रिव्यू एक्सेसरी, ऐसी न्यूज अपडेट के लिए हमारा ये पार्टनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर चीज के आगा करता रहे नोटिफिकेशन आपके लिए। अपने अपने लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने होस्ट राज में मुझे इजाजत, अगली वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।